सबसे पहले एक बिग शाउट आउट टू एमएक्सटी एडिट्स और सुकासा भाई, इट्स सुकासा, तुम्हारी भाई कितनी तारीफ करूं भाई, कितनी भी तारीफ कर लूं कम है, कितनी भी शाउट आउट दे दूं तुम्हारे लिए कम है। तुम लगभग हमारी हर वीडियो में आते हो, हर वीडियो तुम्हें अच्छी लगती है, हर वीडियो को तुम देखते हो, तुम्हारे लिए बस मैं इतना ही कर सकता था और इससे ज्यादा कुछ मैं कर ही नहीं पाया तुम्हारे लिए। एपिसोड की शुरुआत में लियोरियो बोलता है कि इस डेथ बॉडी को बाहर निकालो ताकि हम तीसरा राउंड शुरू कर सके, जिसके जवाब में ये जो प्रिजनर होती है ये बोलती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये एक डेथ बैटल था और कोई भी अभी तक मरा नहीं है और ना ही किसी ने गिव अप किया है, इसलिए हम इसको नहीं निकाल सकते क्योंकि ये राउंड अभी तक खत्म ही नहीं हुआ, ये सिर्फ अभी तक अनकॉन्शियस है, ये मरा नहीं है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। और तभी वो चेक करती है और बताती है कि ये अभी तक जिंदा है। उसके बाद लियोरियो कुरापिका के पास जाता है और बोलता है जाओ अपना अधूरा काम खत्म करो और उस माजिस्ट्रानी को खत्म कर दो, और कुरापिका बोलता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। लियोरियो पूछता है क्यों नहीं कर सकते, तब कुरापिका बताता है जब मैंने उसको पंच मारा था तब वो अपना जो लड़ने का जो स्पिरिट है ना वो खो चुका था और वो लगभग हार मान चुका था, क्योंकि अब वो हार मान चुका है तो इसलिए मैं उसको नहीं मार सकता, मैं किसी लूजर के साथ फाइट नहीं कर सकता, मैं किसी लूजर की जान नहीं ले सकता, वो इतना बोलता है। और मतलब कुरापिका भी कुछ अलग सा बिहेव करता है और लियोरियो तो टेक्निकली पागल हो ही जाता है। उसके बाद कुरापिका बोलता है जब भी उसको होश आ जाएगा और अगर वो मुझसे फाइट करना चाहता होगा तो मैं उसे फाइट कर लूंगा, लेकिन अगर वो तब हार मान जाता है तो मैं उसे फाइट नहीं करूंगा, तो वेट करो जब तक वो मतलब उठ ना जाए। और तभी किलुआ बोलता है कि अगर तुम अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहते तो क्या मैं तुम्हारे लिए उसको मार दूं, तो कुरापिका बोलता है कि वैसे मेरा कोई ऐसा इंटेंशन तो है नहीं, लेकिन तुम भी उसको नहीं मार सकते क्योंकि ये एक 1v1 बैटल है तो ऐसा करना गलत होगा। इसके बाद किलुआ बोलता है कि फिर तो तुम बहुत बड़े सेल्फिश हो, तुम्हें अपना काम अधूरा छोड़ के आया, तुम्हारी वजह से हमारी टीम खतरे के अंदर है और तुम टीम वर्क करना चाहिए तुम्हें, लेकिन तुम ऐसा कर नहीं रहे हो तो फिर तो तुम गलत करे, और लियोरियो भी उसको सपोर्ट करता है। उसके बाद लियोरियो वोटिंग का सुझाव देता है और बोलता है कि अगर उसको मारना है तो जीरो दबाओ, नहीं मारना है तो क्रॉस दबाओ, वो सब बटन भी दबाते हैं लेकिन होता कुछ भी नहीं है क्योंकि ये जो बटन से ना है सिर्फ एग्जामिनर के बोलने से होता है, ये सब अगर कुछ बोलेंगे तो घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये सब देख के तो भाई लियोरियो की तो बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब हो चुकी है, और लियोरियो जब ऐसा चिल्लाता है ना मुझे देखने में बड़ा मजा आता है। उसके बाद ये पुराना वाला सिस्टम करता है कि हाथ उठा के बताएंगे कौन क्या करेगा, लेकिन हाथ सिर्फ यही उठाता है उसको मारने के लिए और कोई भी सपोर्ट नहीं देता, तो ये किलुआ को चिल्ला के बोलता है कि तुम तो अभी मेरे साथ थे ना, तुम आखिर हो किसके साथ। उसके बाद किलुआ बोलता है कि अगर मैं हाथ उठा भी देता तो भी कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो अपना माइंड चेंज नहीं करता, वो उसको नहीं मारता। और गॉन बोलता है कि मैं कुरापिका के साथ हूं क्योंकि जब कुरापिका ने उसको पंच मारा तो वो लगभग हार मान चुका था, और किसी हारे हुए को फिर से मारना कोई सही काम नहीं लगता, हमें वेट करना चाहिए जब तक वो फिर से होश में ना आ जाए और अपनी बातें बताने लगे। और उसके बाद लियोरियो एक कोने के अंदर जाके बैठ जाता है, ना किसी से बात करता है ना कुछ करता है, सिर्फ अपने आप बड़बड़ा रहा होता है। और तभी टोनपा बताता है कि ये जो वोटिंग सिस्टम है ना ये सिर्फ तो मतलब एक ट्रैप की तरह है, क्योंकि वोटिंग में सबको लगता है कि सबको मतलब हक है बोलने का, लेकिन वोटिंग के अंदर होता क्या है, एक मेजोरिटी बन जाती है और दूसरी माइनॉरिटी बन जाती है, और जो माइनॉरिटी होती है ना उसके ऊपर हमेशा से सवाल उठाया जाता है मेजोरिटी की तरफ से, यानी कि ये जो ग्रुप है ना ये जरूर स्प्लिट हो जाती है। कोई भी पर्सन क्यों ना हो अगर बार बार उसको रिजेक्ट किया जाएगा तो उसका दिमाग खराब हो ही जाएगा, वो मतलब इस वोटिंग के ऊपर अब विश्वास ही नहीं करने लगा, वो अपनी मनमानी करने लगेगा और वो पूरा जो टीम होता है ना उसको तोड़ के रख देगा। और आखिर में टोन पर हंसते हुए बोलता है कि चलो अब तो 5 के 5 फेल ही हो जाएंगे, मतलब ये चार बंदों का सपना टूटेगा, ये उससे खुशी मना रहा होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हिसोका को देखते हैं कि जो एक कमर के अंदर आ चुका है और जो स्कार लगा हुआ एग्जामिनर था ना वो इसके साथ है, मतलब इसके पास है, और सारे कैंडल्स अचानक से जलना शुरू हो जाते हैं। हिसोका उसको देखता है और इन दोनों के बातों से पता चलता है ये एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। और ये जो होता है ये बताता है कि तुमने ये जो गाल के ऊपर मेरे जो निशान बनाया ना पिछले साल के एग्जाम के अंदर, मैं इसका बदला अभी लूंगा, इस साल मैं कोई एग्जामिनर नहीं हूं इसलिए मैं तो तुम्हें फ्रीली मार सकता हूं। और ये फाइट करने के लिए अपने दो ब्लेड्स निकालता है और तभी हिसोका बोलता है कि तुम्हारे चेहरे पे जो निशान है ना वो दर्शाता है कि तुम कभी भी एक अच्छे एग्जामिनर नहीं बन सकते, तुम सबसे घटिया एग्जामिनर थे। उसके बाद वो बंदा बोलता है अच्छा अगर ऐसा है तो फिर मरने के लिए तैयार रहो, और वो वार करना शुरू कर देता है और ब्लेड्स को दो ब्लेड ऊपर फेंकता है और दो ब्लेड निकालता है, मतलब चार चार ब्लेड ये एक साथ वील्ड कर रहा होता है, और बोलता है कि ये तो मतलब क्वाड वेल्डिंग टेक्निक है मेरी। और तब ये हिसोका थोड़ा सा भी मतलब घबराता भी नहीं है, वो ब्लेड फेंके जा रहा था वो डॉज कर रहा था, ये फेंक रहा था वो डॉज कर रहा था, ऐसा बहुत समय तक इनका चलता है। उसके बाद ये जो होता है ना ये बार बार हिसोका के ऊपर अटैक कर रहा था, हिसोका आसानी से डॉज कर रहा होता है, बहुत मतलब कूदा पांदी बहुत कुछ करता है लेकिन डॉज आसानी से कर रहा था। और तभी ये बोलता है कि तुम कब तक मुझसे ऐसा अटैक से बचते रहोगे, लेफ्ट राइट कब तक भागते रहोगे, कभी ना कभी तो तुम्हें चोट लगेगी। और तभी हम देखते हैं दो ब्लेड हिसोका को थोड़ा सा चोट पहुंचा के निकल जाती है, और लेकिन उसके बाद ये दो ब्लेड फेंक के मारता है और हिसोका कुछ नहीं करता, वो एक जगह पे खड़े होता है और
उस दोनों ब्लेड को पकड़ लेता है, और जब ये दोनों ब्लेड को पकड़ लेता है इसकी फट जाती है। और ये बोलते हैं मुझे लगभग 6 महीने लग गए थे इस अटैक को सीखने के लिए, 6 महीने लगे थे मुझे इस ब्लेड को पकड़ने के लिए, लेकिन हिसोका ने एक बार में इसको पकड़ लिया और ये बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद हिसोका उस ब्लेड को बहुत तेज़ी से घुमाता है और बहुत ही ज़्यादा स्कैरी लुक देता है एक उसके बाद वो मतलब जो ब्लेड होता है ना उसको स्टेबल करता है और इसकी जो सर होता है ना उसको उड़ा देता है। उसके बाद ये पास कर जाता है और पहला बंदा होता है जिसने फेज 3 को पास किया होता है, और इसने पास करने के लिए कुल 6 घंटे 17 मिनट का टाइम लिया होता है, जो कि सबसे कम टाइम होता है। उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है और दिखाया जाता है लगभग 61 घंटे अब बचे हैं इनके लिए। लियोरो तो मतलब गुस्से में एक जगह पे लेटा हुआ होता है, तभी गॉन बोलता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, वो मतलब इतने देर से 1 इंच तक हिला नहीं। तब किलो बोलता है कि शायद वो मर गया होगा, तो हमें जाके उसकी बॉडी चेक करनी पड़ेगी, अगर हम चेक नहीं करेंगे तो शायद हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो मर गया है, और 72 घंटे ऐसा ही निकल जाएंगे और हम इस रेस से बाहर हो जाएंगे। तभी लियोरो जाता है और बोलता है कि हमें उस डेथ बॉडी को चेक करनी है कि वो जिंदा है या फिर मर गया। तो वो बोलते कि नहीं हम तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो जिंदा है, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। तो बोलता है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो कब उठेगा, हमें पता है क्या, तो तुम्हें जाके हमें चेक करने की परमिशन देनी हो या फिर तुम खुद जाके चेक कर लो। उसके बाद वो प्रिजनर बोलती है अगर तुम चाहते हो, तुम उसे चेक करना चाहते हो ना, तो तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी, मेरी एक ख्वाहिश है, तुम्हें उसको पूरा करना पड़ेगा। और वो बोलती है कि हम एक जुआ खेलेंगे, जिस जुए के अंदर हम पैसा नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे टाइम। तुम्हारे पास 60 घंटे हैं, तो हम 50-50 टाइम ले लेंगे, मतलब 50 घंटे तुम्हारे पास होंगे, 50 घंटे मेरे पास होंगे, और हम 10-10 करके टाइम को लगाएंगे, मतलब 10 घंटे 20 घंटे 30 घंटे इस तरह से टाइम को बैट के अंदर लगाएंगे, जिसका भी टाइमर 0 हो जाएगा वो हार जाएगा, और तुम अगर राजी होते हो तो मैं तुम्हें चेक करने की परमिशन दे सकती हूँ। और साथ में वो ये भी बताती है अगर तुम्हारा जो घंटा है ना 0 हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि तुम्हें एग्जाम, मतलब एग्जाम के जो 72 घंटे थे उनमें से 50 घंटे तक तुम्हें किसी कमरे के अंदर बंद रहना पड़ेगा। और ये पूछता है कि फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो ये बोलता है अगर मेरा 0 हो जाता है तो हमारा जितना भी सेंटेंस है ना, मतलब जितने साल की हमें कैद लगी है उसमें 50 साल और ऐड हो जाएंगे। और तभी हम एग्जामिनर को देखते हैं जो कि मतलब लिपो को देखते हैं, वो बोलता है कि ये तो गैम्बलिंग के लिए ही तो मतलब जेल के अंदर गई थी ना, 112 साल की कैद इसको हुई है, तो इस चीज में इसको हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। तभी कुरापिका बोलते हैं कि जरा ध्यान से, तो लियोरो बोलते हैं कि तुम चुप रहो, ये सारी प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से है और तुम एक शब्द मत बोलना। उसके बाद लियोरो राजी हो जाता है और पहली बेट पे लगाता है, मैं 10 घंटे लगाता हूं कि ये अभी तक जिंदा है, मतलब ये थोड़ा सा सेफ खेल रहा होता है। और जो होती है ना एग्जामिनर, वो बोलती है कि ये तो अच्छी बात है। इसके बाद लियोरो बोलते हैं कि अगर मैं हार भी जाता हूँ ना तो उसका डेथ कंफर्म कर देगा कि हमारी जो सेकंड विक्ट्री हो चुकी है, कुरापिका जीत चुका है, मतलब लियोरो काफ़ी सही दिमाग लगाता है। उसके बाद लियोरो जाके चेक करता है कि अगर वो जिंदा है या फिर नहीं है, और जब वो चेक करता है ना तो उसको पता चलता है कि ये अभी तक जिंदा है, ये मतलब सांसें ले रहा होता है और इसकी दिल की धड़कन अभी तक चल रही होती है। उसके बाद किलो बोलते हैं ये तो गलत हो रहा है, अगर वो मर चुका होता तो अलग बात है, लेकिन अगर जिंदा है तो वो अभी नाटक कर रहा है, अनकॉन्शियस होने का, क्योंकि जितनी देर तक वो वैसा लेटा रहेगा उतना ही ज़्यादा फायदा होगा उसकी टीम को, 72 घंटे ऐसा ही लेटा रहेगा, 72 घंटे की मतलब 72 साल की जेल जो होगी इनकी कम हो जाएगी। और क्योंकि लियोरो ये वाला बैट जीत जाता है इसलिए उसका जो 50 घंटे था वो 60 घंटे हो जाता है, प्रिजनर का 40 घंटे हो जाता है। तभी वो दूसरा बैट लगाता है कि दूसरा बैट पर हम ये लगाएंगे कि ये सच में अगर बेहोश है या फिर ऐसे ही एक्टिंग कर रहा है, जिसके जवाब में हम देखते हैं कि जो माजिटा नहीं होता है ना वो मतलब अंदर से सोच रहा होता है कि कैसे वो मतलब लेट के एक्टिंग कर रहा था, क्योंकि वो जो प्रिजनर है उसने एक नोट छोड़ दिया होता है जहाँ पे लिखा होता है कि तुम्हें बस एक्टिंग करनी है मतलब बेहोश होने का, जिसकी वजह से अगर तुम 72 घंटे ऐसा करते हो तो हमारी जो उम्र कैद है ना वो थोड़ी सी घट जाएगी, और ये वैसा ही पड़ा हुआ है तब से। इसके बाद वो प्रिजनर 20 घंटे लगाती है कि माजिटानी सच में बेहोश है, और माजिटानी भी बोलते हैं कि अच्छा मैं तो अच्छी तरह से एक्टिंग करूंगा। उसके बाद प्रिजनर बोलती है कि हम पता कैसे लगाएंगे, तो ये बोलता है इसको यहाँ से फेंक देते हैं पता लग जाएगा, तो बोलती है कैसे फेंक सकते हो, इसका अभी मैच चल रहा है। तो बोलता है कि टेंशन मत लो, अगर ये गिर के मर जाता है तो हम कुरापिका की जो विक्ट्री है उसको डिफीट मान लेंगे और तुम 2-1 से लीड करोगे, और वो प्रिजनर भी राजी हो जाती है। लेकिन आखिर में वो अपना बैट चेंज करती है और बोलती है कि 40 घंटे ये अनकॉन्शियस नहीं था, और लियोरो को मजबूरी में हाँ बोलना पड़ता है और वो इसका हाथ छोड़ देता है, उसको नीचे फेंकने के लिए हाथ छोड़ देता है। और तभी हम देखते हैं कि अंदर से घबराया हुआ माजिटानी ना अब एक्टिंग करना बंद कर चुका था और बोलता है कि मैं मतलब जिंदा हूँ, मैं अवेक हूँ, मुझे पकड़ो, मुझे बचा लो। और तभी हम देखते हैं कि लियोरो उसको छोड़ तो देता है लेकिन आखिरी में उसका हाथ पकड़ के उसको ऊपर की तरफ उठा भी लेता है। उसके बाद माजिटानी बहुत ही ज़्यादा नाराज होता है और बोलता है कि तुम्हें मजाक लग रहा है क्या, मेरी जान वहाँ पर पड़ी हुई थी लेकिन तुमने मतलब बैट लगा के तुम मेरी जान को खतरे में डाल रहे थे, तुमसे अच्छा था वो जेल है, मैं जेल के अंदर जाता हूँ, जेल ज़्यादा सेफ है इस जगह से, बोलता है और वो निकल जाता है। उसके बाद वो प्रिजनर बोलती है तुम्हें पता था ना वो बेहोश नहीं था,
तो लियो ये बताता है कि भरोसा रखो मैं एक डॉक्टर हूँ, और जिस तरह से उसकी आई मूवमेंट हो रही थी ना, वैसा तो कोई दत्त बॉडी ही करता है, और बेहोश होता तो उसकी आई मूवमेंट थोड़ी बहुत होती, लेकिन होता नहीं ऐसा कुछ। तो अभी हम 2 राउंड जीत चुके हैं और 2-1 से लीड कर रहे हैं। उसके बाद लियो बोलते हैं कि अब तुम्हारी बारी है, तुम क्या बैट लगाना चाहते हो। और तभी हम देखते हैं कि ये जो एपिसोड लगभग खत्म हो जाता है और टाइमर दिखाया जाता है, जिसके अंदर लियोरी के पास सिर्फ 20 घंटे होते हैं और उनके पास अभी 80 घंटे होते हैं, यानी कि लियोरी का पलड़ा फल ही भारी लगे, लेकिन वो अभी हल्के में है, वो अभी हार की कगार पे है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो या फिर मजा आया हो ना, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट जो भी था बता देना, और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना। और क्या कर सकते हो, इतना सब कुछ कर रहे हो तो चेक कर लेना जरा, सब्सक्राइब किया है या फिर नहीं किया है। किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब का बटन दबा देना, और साथ में जो बेल का आइकन है ना उसको ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही अपनी भी बज जानी चाहिए।